के जो आपने करने हैं, राइट। तो 10 क्वेश्चंस को करेंगे, आंसर आपके पहले होंगे, उसके बाद मेरे होंगे। तो करा जाए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, बाकी के 20 क्वेश्चंस आप कर चुके हो, ठीक है, रेवेन्यू के। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है पढ़ लो पहले जल्दी से। सपोज टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग, कॉन्स्टेंट रेट, सबसे पहले कौन सा रेट दिया गया ये देख लो, कॉन्स्टेंट रेट की बात हो रही है। कॉन्स्टेंट रेट में टोटल रेवेन्यू कब बढ़ता है, ये वाली सिचुएशन फिर से आ गई। मोर एंड मोर यूनिट सोल्ड, मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी, हमें पता है मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी लाइक दिस। तो मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू द एवरेज रेवेन्यू और नॉट, इज दिस और नॉट, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, यही होगा आंसर। 20 सेकेंड का देख लेते हैं। अ फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी, अ फर्म इज एबल टू सेल एनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ गिवन प्राइस, क्या करूं बताइए, एट अ गिवन प्राइस, एनी क्वांटिटी बेचो गिवन प्राइस पे, व्हाट शुड बी एन आंसर, मार्जिन रेवेन्यू विल बी व्हाट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू बाय, सो किसी भी रेट पर उतना ही बेचना है, कितना भी, इनफाइनाइट कह रहा है, तो इक्वल टू एवरेज। आई फील लाइक कि अब रेवेन्यू आप लोगों को और क्लियर हो रहा है आफ्टर डूइंग द क्लासेस एंड एप्लीकेशन, आफ्टर लर्निंग दिस टेस्ट, राइट। अ फर्म इज एबल टू सेल मोर क्वांटिटी ओनली बाय लोअरिंग डाउन द प्राइस, ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी बेचने का मन है, एट लोअर प्राइस, प्राइस कम करेंगे तब ही बिकेगा, यही है ना, ए और एल एम आर यही है। तो ये क्या कर दें हम लोग, मार्जिनल रेवेन्यू, द फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू एज ही गोज ऑन सेलिंग वुड बी ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, लेस देन एवरेज रेवेन्यू, और व्हाट इक्वल होगा क्या एवरेज रेवेन्यू के, लेस देन एवरेज रेवेन्यू, यस। नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू व्हाट, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, यस। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, यस, एवरेज रेवेन्यू इज बोथ। लेट टी आर टोटल क्वांटिटी, तो टी आर कह रहा है अगर टोटल रेवेन्यू है, Q इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है, N नंबर ऑफ यूनिट्स है, द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी टी एन माइनस टी एन, एन माइनस वन, टी आर में परिवर्तन, यस, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, यस, दोनों इज अ बोथ, दोनों, यस, दोनों। टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग 20 यूनिट इज 700 रुपए, टोटल रेवेन्यू अर्न बाय 20 यूनिट इज 700 रुपए, 20 फर्स्ट यूनिट से हम मार्जिनल कमाते हैं 70, तो टोटल कितना कमाते होंगे, 770, कितना कमाते होंगे, 770, यस। मार्जिनल रेवेन्यू रिफर्स टू एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, वन मोर यूनिट द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, एडिशन टू टोटल रेवेन्यू, वन मोर यूनिट आउटपुट इज सोल्ड, सोल्ड वाला होगा ना कि प्रोड्यूस्ड वाला होगा, बेच कर पैसा कमाएंगे ना कि सिर्फ प्रोड्यूस करके रख के पैसा कमाएंगे, बेचना भी पड़ेगा, इज दिस, पढ़ लो एक बार। एम आर कर्व फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट व्हेन प्राइस रिमेन सेम, द राइज इन आउटपुट, प्राइस रिमेन सेम विद द राइज इन आउटपुट, व्हाट शुड बी, यस, पढ़ लो। द रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, ये कब होती है, प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट विद राइज इन आउटपुट,
which of the following diagram correctly depict the relation between ARMR when price fall? When price falls, this. Which one? 30 questions done. तो आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है मैंने बताया था. सबसे पहला काम एप्लीकेशन में जाओ. एप्लीकेशन में जा करके आप लोग अपने रिवेन्यू के लेक्चर्स को देख लो, पूरा पढ़ाया हुआ है. दूसरा काम करो, एक बार रीडिंग कर लो कोई भी धरती की बुक को. मैंने सजेशन भी दिया हुआ है बुक के, पढ़ो संगीत पर करो, ओरी साहब पढ़ो, जो मन करो. ठीक है, तो रीडिंग कर लो. रीडिंग करने के बाद ये जो MCQs कराए हुए हैं, टोटल 30 MCQ, जो कि 20 आप कर चुके हो मॉर्निंग में 10:30 पे और आप कर रहे हो 9:00 रात को. तो मुझे आपके कमेंट बॉक्स पे सिर्फ ये चाहिए कि आपके आंसर कितने करेक्ट हुए, 30 में से कितने मार्क्स हैं आपके, और रेवेन्यू आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ. कोई भी क्वेश्चन रेवेन्यू का आएगा आप कर लोगे. अब हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग. नेक्स्ट लेक्चर दैट विल बी ऑन मंडे और संडे, क्योंकि उस 3 दिन मेरी क्लास नहीं है. संडे या मंडे को हम लोग टेस्ट करेंगे ओनली ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. फिलहाल सप्लाई का भी टेस्ट पेंडिंग है, तो पहले सप्लाई का टेस्ट होगा, संडे को सप्लाई का टेस्ट होगा, उसके बाद हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन करेंगे. ठीक है, वीडियो समझ आती हो, क्लास समझ आती हो तो लाइक कर दिया करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है. ठीक है, मिलते हैं संडे या फिर मंडे को. बाय बाय.